फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुरुकुल की ऑनलाइन क्लास में आप सबों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। छात्रगण, संजय सर रैंकिंग टेस्ट के दूसरे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी रैंकिंग टेस्ट के दूसरे पड़ाव को बहुत बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत ही अच्छा टाइप है और बिल्कुल कंसेप्चुअल बेस है। जैसे कल की क्लास में हमने कितना अच्छा से ग्रेटर देन का सिंबल का प्रयोग करके, हालांकि आपको दो मेथड बताया गया था कल के टाइप वन में, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप हल करेंगे। आइए आज टाइप नंबर दो पर, रैंकिंग टेस्ट के टाइप टू पर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं छात्रगण, और इस टॉपिक पर आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए पूरी कहानी क्या चीज है, सीधे सीधे बोर्ड के क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि बच्चे की एक पंक्ति में जो उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, भरत दाएं सिरे से 11वां है तथा समीर के दाएं 3रा है तथा समीर बाएं सिरे से 15वां है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि आज की टॉपिक सर क्लास में क्या कहने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे अहम पहलू क्या है कि जब आप ऐसे प्रश्नों को देखते हैं तो आपको एक सीधा सा सिंपल सा बात आपको दिमाग में आता होगा कि 1000 ट्रिक ऐसे क्वेश्चनों के बुक में दिए हुए हैं। हमको आप इतना बता दीजिए, एक एक क्वेश्चन वाइज ट्रिक है, क्वेश्चन वाइज ट्रिक को, इस क्वेश्चन में ये ट्रिक, ये क्वेश्चन ये ट्रिक, क्या मैथमेटिक्स या रीजनिंग के ट्रिक याद किए जा सकते हैं क्वेश्चन वाइज? अगर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक है देन इट इज द बेस्ट। ऐसा होता भी है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका एक ही ट्रिक होता है जिससे बन जाता है, तो वो ट्रिक जरूर याद करिए। हम भी ट्रिक देंगे इस चैप्टर में, लेकिन छात्रगण इसमें बहुत जरूरी है कि चैप्टर को आप बहुत अच्छा से समझिए। तो आइए सबसे पहले कंसेप्ट की बातें करते हैं कि पंक्ति वाला क्वेश्चन रहेगा, एक से अधिक बच्चा है, कुल बच्चा निकालना रहेगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसका कंसेप्ट लीजिए आप। ठीक है ना, सबसे पहले आप इसका कुछ कंसेप्ट समझिए। एक क्लास में, एक वर्ग कक्षा में हम 15 बच्चा लेते हैं, ठीक है ना। कितना बच्चा है? 15 बच्चा। 15 का रोल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। कुल किसी क्लास में, सपोज कीजिए ये क्लास वन का बच्चा लोग था जिसमें कुल बच्चों की संख्या कितनी थी, 15 थी। हम कहते हैं कि रमेश ऊपर से 8 रोल नंबर है, रमेश का ऊपर से 8 रोल नंबर है, यानी कि 8वां रोल नंबर किसका है, रमेश का। ठीक है, रमेश का ऊपर से रोल नंबर कितना हो गया, 8। पूछता है कि बताइए नीचे से उसका रोल नंबर कितना होगा। जाहिर बात है अब नीचे से पूछ रहा था, एक तो ये ना हो जाएगा। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्या रमेश का रोल नंबर गड़बड़ाया? अब बोलेगा सर ये तो अजूबा कैसे हो गया, 8 × 2 = 16 ना होना चाहिए, नीचे से तो आना चाहिए। देखिए ध्यान, यही चीज है सबसे, इसका मेन बेसिक कंसेप्ट है। रमेश का रोल नंबर जो 8 है कक्षा में, चाहे उसको हम ऊपर से काउंट कर रहे हैं तो इसका रोल नंबर कितना है भाई, देख लीजिए रोल नंबर 8 है। नीचे से काउंट कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बच्चा तो मेरा रमेश ही है ना, उसका रोल नंबर कितना है, 8। तो ऊपर से भी काउंट कर रहे हैं तो 8 और नीचे से भी काउंट कर रहे हैं तो कितना है, 8 है। इन सब बातों का इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसका क्या है, एक चीज याद करें, ये एक पंक्ति रहता है, हमेशा देखिएगा यहाँ एक पंक्ति रहेगा। इधर साइड से जब चलेंगे तो ये हो जाएगा दाएं, और जब आप इधर से चलेंगे तो हो जाएगा बाएं। ठीक है ना, दाएं बाएं भी क्लियर हो गया। जो हम लोग शुरू से करते आए हैं वही काम एकदम हम लोग करेंगे। इस ओर मतलब ऐसे चलेंगे, ये होगा मेरा दाया, इधर से दाएं चलेंगे और इधर से हो जाएगा मेरा बाया। मतलब अल्फाबेट में जो मेरा कंसेप्ट रहा है वही सेम कंसेप्ट जो है मेरा इसमें भी रहने जा रहा है। दाया का कंसेप्ट इधर से, बाया कंसेप्ट इधर से, आपको अल्फाबेट का पूरा कहानी याद होगा। बस इसी के आधार पर हम सब प्रश्नों का निर्माण करेंगे और कई प्रश्न आपको बना करके दिखाएंगे और समझाएंगे। सभी प्रश्न को आप अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए एकदम कंसेप्ट के आधार पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बच्चों की एक पंक्ति में जो उत्तर की उम्र के खड़ा है, भरत दाएं सिरे से 11वां है। भरत दाएं सिरे से कितना है, 11वां। दाएं मतलब किधर, इधर से। भरत दाएं सिरे से 11वां है, तो भरत को लेते हैं, यानी भरत के पहले कितना बच्चा है, 10 बच्चा है। भरत दाएं सिरे से 11वां है तो भरत के पहले कितना बच्चा है, 10, और 10 के बाद कितना हो गया, 11। तो यहां पर कौन खड़ा है, भरत, भरत यहां भरत खड़ा है 11वां बच्चा के रूप में। क्लियर है, जो उत्तर की ओर मुख करके खड़ा, इसलिए हम एरो इसलिए बनाए कि सब नॉर्थ को फेस कर रहा है। डायरेक्शन एकदम आपका यहां पर क्लियर होना चाहिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये डायरेक्शन आपका एकदम से क्लियर होना चाहिए। तो 10 भरत ऊपर की ओर देख कर खड़ा है, भरत दाएं सिरे से 11वां है तथा समीर के दाएं 3रा है। ये समीर के दाएं कमा नंबर पर है, 3रा नंबर पर है समीर के दाएं।
समीर के दाएं 1 2 3, यानी कि यहां पर समीर होगा, यहां पर समीर है ना, समीर के दाएं 1 2 3 नंबर पर होगा। समीर उत्तर की ओर देख रहा तो दाया इधर होगा ना, तथा समीर के दाएं कमे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, हो गया, देख लीजिए। तथा समीर बाएं सिरे से 15वां है, यानी ये जो स्थान है, ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये दाएं सिरे से, ये बाएं सिरे से कमे नंबर पर है, 15वां है, यानी कि इसके पहले कितना बच्चा होगा, 14। यही ना पूरा कहानी है, इसके पहले समीर का स्थान बाएं सिरे से 15वां दिया हुआ है, इस केस के बाद समीर का स्थान बाएं सिरे से 15वां दिया, यानी इसके पहले 14 बच्चा है। तो बोलता है कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो सबको प्लस कर दो ना यार, सबको प्लस कर दीजिए, तो 14 एक 15 एक 16 एक 17 एक 18 और 10 कितना हो गया, 28। अर्थात पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, 28 बच्चे हैं। देखिए कितना आसानी से और कितना इजी तरीके से हम सब प्रश्नों का हल निकालते हैं छात्रगण। आपको यही सलाह दी जाती है कि ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल इसी अंदाज में आप बनाएंगे और इसी अकॉर्डिंगली ऐसे प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास करेंगे। सो ट्रिक यूज कीजिए, मैं ये नहीं कहता हूँ ट्रिक यूज नहीं करना, लेकिन ज़्यादा ट्रिक यूज करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसी आधार पर क्वेश्चन को बनाइएगा। कंसेप्ट इसमें बहुत बहुत आपको पे करेगा, आप एकदम बाएं दाएं कंसेप्ट लीजिए, कौन कितना आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे घसक रहा है, सब सारा चीज़ को दिमाग में रखना होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पड़ाव की ओर लेके चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छात्र रैंकिंग टेस्ट के दूसरे क्वेश्चन पर आपके पास में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा ही पूछा जाता है। एक परीक्षा में आशा का ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से 15वां क्रमांक है, ठीक है ना, ऊपर से 16वां और नीचे से 15वां। तो बोलता है कक्षा में कुल कितना छात्र है, ये सबका तो खतरनाक ट्रिक है, लेकिन पहले कांसेप्ट हम हर एक बार बोलते हैं। आप सपोज कीजिए कि ऊपर से स्थान 16वां पूछ रहा है, देखिए लड़की एक ही है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, आशा ही का क्रमांक पूछ रहा है। ऊपर से देखिए इसको बोलता है, हम बोर्ड में लिख चुके थे पहले से, ऊपर से इसका स्थान बोलता है 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये स्थान जब नीचे से काउंट करें तो जाहिर बात है 15वां आएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए यानी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, 30 छात्र हैं, लेकिन आपको यह अजम्पशन करना पड़ गया कि कितना हम छात्र लें। एक ही बच्चा जब दो बार काउंट किया जा रहा है तो दोनों को डबल करके एक माइनस कर देना है। तो सिंपल एकदम याद कर लीजिए कि एक परीक्षा में आशा को ऊपर 16वां और नीचे 15वां कुल कितना बच्चा होगा, जहां ऊपर और नीचे का स्थान दिया रहे, ये एकदम इसको याद कर लेना है। जैसे ही ऊपर और नीचे का स्थान दिया रहे तो सीधे लिख लेना है ऊपर से स्थान, कंसेप्ट समझ में आ गया कैसे बना, सो वो ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान, एकदम इसको याद कर लेना, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान, और इसमें माइनस वन घटा दीजिएगा। तो ऊपर से स्थान कितना है बच्चा का 16, नीचे से स्थान कितना है 15 माइनस 1, 16 15 कितना होता है 31 माइनस 1 बराबर कितना 30। तो बहुत आसान से ऐसे आसानी से ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। एक परीक्षा में आशा को ऊपर से 16वां और नीचे से 15वां क्रम है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं 30 छात्र हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने मजे से हमने ऐसे प्रश्नों का जवाब दे पाने में, हम सब ऐसे प्रश्नों का जवाब दे पाने में कामयाब हो गए छात्रगण, ठीक है ना। तो एकदम याद कर लीजिए, जब भी किसी व्यक्ति का स्थान ऊपर से दिया रहे और नीचे से दिया हुआ रहे, उसको दोनों को जोड़ देना है, माइनस वन कर देना है, आपको जो है आंसर टोटल आ जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे कि नीचे से स्थान दिया रहेगा तो ऊपर से कैसे निकलेगा, और ऊपर से स्थान दिया रहेगा तो नीचे से कैसे निकलेगा। ये तीन पड़ाव पे इस पे काम कर लीजिए, कुल निकालने के लिए सीख गए, अब इसी में सीख जाइए ऊपर से स्थान कैसे निकलेगा। आइए आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। अभी कुल विद्यार्थी निकाल लिए थे, अब देख लिए क्वेश्चन चेंज किए हैं। अब कुल विद्यार्थी दिया हुआ है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में, राजू का क्रमांक 19वां है, बताएं कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। कुल विद्यार्थी दिया हुआ है, राजू का क्रमांक ऊपर से दिया हुआ है, नीचे से क्रमांक पूछ रहा है, कितना सिंपल क्वेश्चन। आप देख लीजिए पहले, आप इसका पहले अपना खुद स्केच देख लीजिए। एक 40 बच्चा ले लेते हैं, यहां से लेके 19 नंबर कौन है आपका, 19वां क्रमांक है, ऊपर से 19वां है, यानी इसके नीचे कितना हो गया 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, दिख रहा है ना बोर्ड, 36, 37, 38, 39, 40, 40 बच्चा हो गया। ऊपर से क्रमांक कितना है इसका, ऊपर से क्रमांक कितना है 19वां, 40 विद्यार्थियों के कक्षा में राजू क्रमांक कितना है 19वां है, बताएं कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। अंतिम से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, अंतिम से क्रमांक उसका कितना हो गया,
बताएं कि अंतिम सकर्मांक क्या होगा, तो अंतिम सकर्मांक उसका कितना हो गया, 22। अब सवाल ये उठा कि सर ये फ्लैक्चुएशन जो मेरा हो रहा है वो फ्लैक्चुएशन हम कैसे ज्ञात करें। सिंपल, आप खुद दिमाग लगाइए, राजू का कर्मांक इसके पहले, राजू से पहले कितने बच्चे हैं, 19 बच्चे हैं। स्पष्ट है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में राजू कर्मांक 19वां, ऊपर से कितना इसका स्थान है, 19वां है। बताएं कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा, तो खुद आप दिमाग लगाइए, ऊपर से 19वां है यानी इसके 40 में से 19 आपको घटा देना था, कितना हुआ, 10 में 9 गया, 1 3 में 21 बच्चा, यानी इसके नीचे तो 21 बच्चा होगा, लेकिन इसके नीचे 21 बच्चा होगा, लेकिन राजू का तो पोजीशन आप काउंट नहीं कर पाए, राजू को भी तो काउंट करिएगा ना, कि राजू का नीचे से स्थान यानी कि 19 भी काउंट हो जाएगा, तो 21 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 22। तो ऐसे प्रश्न पे एकदम समझ में आ गया, पहले कंसेप्ट एकदम बिना कंसेप्ट के पढ़ाई मत करिए, एकदम क्लियर हो गया। 40 में से 19 घटा दिए तो मेरा आया 21, राजू को पूछ रहा था तो राजू वहां जुड़ जाएगा ना, तो 21 अरे कितना हो गया, 22। कुछ मत करिएगा, सीधे क्या कर देना है, कुल विद्यार्थी, सिंपल एकदम ट्रिक बता देते हैं आपको, कुल विद्यार्थी इसमें क्या कर देना है, माइनस कर दीजिएगा जो वहां पे किए, कुल विद्यार्थी माइनस ऊपर से क्रमांक, ऊपर से जिसका भी क्रमांक दिया रहेगा, है ना, कुल विद्यार्थी माइनस ऊपर से क्रमांक, और इसमें कितना जोड़ दीजिएगा, 1। तो कुल विद्यार्थी मेरा कितना था, 40, ऊपर से क्रमांक कितना था, 19, और प्लस इसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 21 प्लस 1 बराबर आंसर कितना आ गया, 22। समझ में आ गया एकदम अच्छी तरह से, तो पहले कंसेप्ट उसके बाद फिर ट्रिक, एकदम सिंपल याद कर लीजिए कि अंतिम से स्थान पूछेगा तो टोटल माइनस ऊपर से जो क्रमांक दिया हुआ है 100, उसमें प्लस 1 कर देना है बस, और जब ऊपर से स्थान पूछेगा तो वहां प्लस नहीं होकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वो भी एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाक से, क्लियर हो गया एकदम अच्छे से, गड़बड़ाइएगा नहीं, सारा एक एक क्वेश्चन को एकदम लिख लिख लीजिए, अच्छा से नोट्स बनाइए, जो ट्रिक दे रहे हैं साथ में वो भी याद करते हुए चले जाइए। छात्रगण, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में राजू क्रमांक अंतिम से 19वां है, जस्ट वही पलट दिए हैं क्वेश्चन, अब अंतिम से पूछ रहे हैं और ऊपर से स्थान पूछ रहे हैं, तो फिर तो वही होगा ना, 40 में से आप क्या करेंगे, 19 घटाएंगे तो ऊपर का बच्चा निकल जाएगा, 10 में 9 गया तो 1, और 3 में 1 गया तो कितना बचेगा, 21। और चूंकि राजू का स्थान तो अभी पूछ रहा है, तो राजू का स्थान क्या होगा, वो स्थान भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो 21 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 22। तो चाहे ऊपर से स्थान पूछे चाहे नीचे से स्थान पूछे, दोनों स्थितियों में आपको टोटल विद्यार्थी माइनस ऊपर से स्थान या नीचे से स्थान और प्लस 1 करना है, चाहे ऊपर से पूछे चाहे नीचे से पूछे, क्लियर ना, इसमें बिल्कुल नहीं गड़बड़ाइएगा। सेकेंड, इसमें एक और पड़ाव आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि मान लीजिए किसी बच्चे का दोनों छोर से स्थान 11वां है, दोनों छोर से स्थान कितना है, 11वां है या 10वां है, कुछ भी है, कोई भी स्थान है, तो बताता है तो पूछता है कि बताइए कि उस पंक्ति में या उस कतार में कुल कितने बच्चे हैं। तो देखिए, किसी बच्चे का दोनों तरफ से स्थान 11वां दे रहा है तो 11 दुनी तो क्या हो गया, 22 हो गया, लेकिन एक ही व्यक्ति का स्थान जब दोनों तरफ से 11 दे रहा है तो एक व्यक्ति तो दो बार काउंट हो जा रहा है, एक व्यक्ति कितना बार काउंट हो रहा है, दो बार काउंट हो रहा है, तो जब वो दो बार काउंट हो रहा है तो एक माइनस कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, तो 11 दुनी 22 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 21। वो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन हम देखें ना, आपको दिखा भी देते हैं बना करके, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो वो केवल एकदम कंसेप्ट एक दिमाग में रखिएगा, है ना। जैसे एक और इसी में क्वेश्चन ले लेते हैं कि लड़कियों की एक कतार में, है ना, ध्यान देंगे छात्रगण, लड़कियों की एक कतार में है ना, आलिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, आलिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, देख रहे हैं ना, इस बच्चे का दोनों छोर से स्थान दिया हुआ है, दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, बताएं कि कतार में कुल कितने बच्चे हैं, यही क्वेश्चन है कि बताएं कि कतार में कुल कितने बच्चे हैं, बताएं कि कतार में कुल कितने बच्चे हैं, बताएं कि कतार में कुल कितने बच्चे हैं, यही क्वेश्चन है। तो लड़कियों की एक कतार में आलिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, बताएं कि कतार में कुल कितने बच्चे हैं। अब देख लीजिए, एकदम सिंपल बात करेंगे, जब भी किसी बच्चे का दोनों तरफ से स्थान देगा तो 11 प्लस 11 क्या हो गया, 22 हो गया, यानी 22 बच्चा हो गया। लेकिन आप ध्यान लगाइए कि दोनों छोर से जब काउंट करें तो आलिया दो बार काउंट हो जा रही है, ऊपर से भी 11 और नीचे से भी 11 दो बार काउंट हो जा रही है, इसलिए टोटल सीधे इसमें क्या कर दीजिएगा, 1 माइनस, तो बच्चा कुल कितना हो गया आपका, 21। तो वो थोड़ा सा ध्यान देने का बात होता है, सभी क्वेश्चनों को माइंडसेट करिएगा, कोई ट्रिक याद नहीं होता, सीधे कंसेप्ट पर बनाइएगा, नंबर लिख लीजिएगा, लिख करके जैसे जैसे स्थान बोल रहा है अपना वैल्यूज ज्ञात कर लीजिएगा।
ठीक है ना। चलिए अभी कई पड़ाव पर आपको लेके चलते हैं और अभी दो तीन क्वेश्चन अच्छा अच्छा प्रैक्टिस करा देते हैं ताकि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन इससे ना छूटे। एक स्थान परिवर्तन का क्वेश्चन आता है वो भी इसमें करवाएंगे, है ना। चलिए आगे की ओर लेके चलते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे प्रश्न लेकर के आएंगे छात्र जहां कोई ट्रिक हम नहीं बताने वाले हैं, सिर्फ आपका कंसेप्ट का परिचय देंगे। उत्तर की ओर मुख करके बैठे बच्चों में समीर बाएं सिरे से 17वें क्रम पर है। समीर बाएं सिरे से कितने क्रम पर है? 17वें क्रम पर है। यानी कि समीर को ले लेते हैं बाएं, अगर यहां से चलते हैं तो समीर बाएं सिरे से 17वें स्थान पर है, 17वां, ठीक है ना। समीर बाएं सिरे से कितने स्थान पर है? 17वें क्रम पर है। तथा ज्योति से जो दाएं सिरे से 15वें क्रम पर है के दाई ओर दूसरा है। अच्छा ये जो है वो ज्योति के, ये पहले तो ये लिख लीजिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है समीर। सब नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है इसलिए हम लोग जो है ये वाला एरो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन कितना अच्छा है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे बच्चों में समीर बाएं सिरे से 17वें क्रम पर, ये बाएं सिरे से 17वें क्रम पर है। तथा ज्योति से जो दाएं सिरे से 15वें क्रम है, तथा ज्योति से जो दाएं सिरे से क्रम पर है 15वें क्रम पर है। तो 15 अब किधर आ गया, ये तो आपको कंफ्यूजन हो गया। अब देखिए जो दाएं सिरे से 15वें क्रम पर है कि दाई ओर दूसरा है, समीर जो है ज्योति के दाई ओर दूसरा है, तो पहले ज्योति को यहां बैठाइए। तो और ज्योति के ये ज्योति यहां बैठी, ज्योति के ये दाई ओर दूसरा है, दाई ओर ये पहला और ये दूसरा, ये ज्योति के क्या है, यहां ज्योति बैठी हुई, तो ज्योति के दाई ओर ये क्या है दूसरा, और ज्योति का दाएं से क्रम क्या दिया हुआ, ये 15वां दिया हुआ है। यही ना कहानी है। आप देखिए ये कैसे होगा, अब ये ज्योति जो है इसको जंप करके इधर आ गई है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो उस पंक्ति में बच्चों की संख्या कितनी, तो क्या करना है, पहले दोनों को जोड़ दीजिए 17 प्लस 15, तो 7 5 12 के दो हाथ में एक एक दो कितने होंगे 32। अब देखिए कितना माइनस करिएगा, चूंकि यहां 17वां है और ये इसको जंप करके आइए इधर, तो एक बच्चा दो बच्चे और तीन बच्चे हैं, माइनस कर दीजिए, तो 12 में 9 गया 12 में 3 गया 9 2, यानी कुल कितने बच्चे हो गए 29 बच्चे। तो देखिए कोई ट्रिक है, कुछ है, कुछ नहीं, बस अपना माइंड लगाइए कि किस प्रकार से, जहां क्वेश्चन में देख लीजिए कोई किसी को जंप कर रहा है तो कितना जंप किया है, यहां से देख लीजिए दो दो इसके बाद समीर का स्थान दिया हुआ था, ज्योति का स्थान, तीनों को सीधे माइनस कर दिया, आंसर आ गया। तो बहुत ही समझ करके समझदारी से ऐसे प्रश्नों का जवाब देना होता है, थोड़ी सी आपकी गलती जो है क्वेश्चन पे आपको सीधे सीधे बर्बाद कर सकता है छात्रगण, और एक नंबर आप गलत कर सकते हैं। आइए और अभी कई सारे प्रश्नों को पढ़ाव लेकर के आपके पास चलते हैं और पूरे क्लास जो है एकदम रैंकिंग टेस्ट की कई क्वेश्चन बना करके दिखाएंगे आपको। आगे की ओर चलते हैं छात्रगण, आप देख लीजिए आप क्वेश्चन क्या कहता है कि 30 छात्रों की कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पर है तथा रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पर है, रमेश और महेश के बीच में कितने छात्र हैं। कुछ नई ट्रिक लगाइए एकदम, कितना बच्चा है 30 बच्चा, एकदम जल्दी जल्दी पहले आपको 30 बच्चा ड्रॉ कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है ना, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब बोले गए सर यहाँ पर 50 बच्चा देगा 100 बच्चा देगा, तब देने दीजिए कोई बात नहीं है। 30 छात्रों की कक्षा महेश बाएं सिरे से 14वां है, 14 बच्चा तो हम लोग ले सकते थे, इतना लंबा लाइन आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ता, चलिए वो भी आपको करके दिखा देते हैं। तो बाएं सिरे से 14वां महेश का ले लीजिए, बाएं सिरे से 14 ले लेते हैं, चलिए महेश का 14वां, एक तो सिरा मेरा दिया हुआ रहेगा हमेशा, तो महेश बाएं सिरे से 14वां है, यानी इसके पहले कुल कितना बच्चा है 13 बच्चा होगा, महेश हो गया 14वां, यहाँ लिख लीजिए महेश, महेश का क्लियर हो गया कि ये बाएं सिरे से 14वां स्थान पर है। अब उसके बाद कुल कितना बच्चा है 30, 14 के बाद आप लिख लीजिए 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, इसको मिटा दीजिए, अब तो हो गया, अब तो वो डॉट खींचने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि सर 30 रहे या 50 रहे, एक का क्रम दिया रहेगा उतना बैठा करके उतना अपना मैनुअल बनाइए बाबू, हम कई बार आपको बोलते हैं एकदम वक्त नहीं लगेगा, आपका और आसान कर दिए ना, 30 गोला भी खेलने की जरूरत नहीं है। तो बाएं सिरे से 14वें क्रम पर है तथा रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पर है, अब रमेश दाएं सिरे से 20वां क्रम है, यानी यहां से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 17 18 19 20, कौन है, रमेश, रमेश दाएं सिरे से, रमेश यहां दाएं से, रमेश का स्थान हो गया यहां दाएं से कितना 20वां, तो बोलता है कि महेश और रमेश के बीच में कितना बच्चा है, तो आप ही बता दीजिए ना रमेश और महेश के बीच में कितना बच्चा है, 2 बच्चा है। तो देखिए कितना कितना हमको टाइम लगा, आप केवल ये देखिए कि सर को कितना समय लगा, हमको लगता है 2 सेकंड भी समय नहीं लगेगा,
तो किसी एक तरफ स्थान दिया हुआ रहेगा, बस फटाक से एक तरफ के स्थान को आपको लिख लेना है और उतना डॉट बना देना है, डॉट बनाने के बाद इसका हल निकाल देना है। तो एकदम सिंपल है, आपके 30 छात्रों की कक्षा में जहां कुल छात्र दिया गया है उतना छात्र को ड्रॉ कर लीजिए, बाएं से जो स्थान दिया है वो नंबर लिख लीजिए, दाएं से जितना दिया है डॉट बना लीजिए, अंक निकाल दीजिए। उम्मीद करते हैं छात्रगण कि आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे रैंकिंग टेस्ट में, और पहले से जो कुछ भी आपका कंसेप्ट था उसमें निश्चित रूप से आपका निखार आया होगा। दो अप्रोच हम इसमें डेवलप कर रहे हैं, एक चाहे तो आपका ट्रिकी अप्रोच बन जाए, ट्रिक से बन जाए, और नहीं अगर ट्रिक से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो दूसरी अप्रोच इसमें लगाइए, और वह दूसरा अप्रोच होगा मैनुअल काउंटिंग का, ठीक है ना। चलिए अब आगे की ओर लेके चलते हैं और अब स्थान परिवर्तन से कुछ क्वेश्चन निर्माण करा करके दिखाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छात्रगण रैंकिंग टेस्ट के इस पड़ाव में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, और प्रश्न भी बहुत ही दिलचस्प है। सीधे सीधे इसका एक सब हेडिंग हम क्रिएट कर दी है, स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। ऐसे प्रश्नों में दोनों जो है या कोई एक भी हो सकता है अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, और जब स्थान परिवर्तन प्रश्न में हो, एकदम याद कर लीजिए कि जब क्वेश्चन में स्थान परिवर्तन हो तो शानदार ट्रिक लगाएंगे, और अभी देखिए मिनटों में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसी पंक्ति में विजय बाएं से 15वां है और मनोज दाएं से 12वां है, यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो विजय बाएं से 20वां हो जाता है, तो बताएं पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। सिंपल क्वेश्चन, बस अदला बदली, सीधे सिंपल एकदम हेडिंग याद रखिएगा, स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। सीधे प्रश्न स्थान परिवर्तन पर आधारित होगा, स्थान परिवर्तन हो जाएगा। तो किसी पंक्ति में विजय बाएं से कितना है, 15वें स्थान पर है, पहले एकदम मैनुअल बना लीजिए, विजय बाएं से 15वें स्थान पर है। यहां पर कौन है, विजय, विजय का स्थान क्या है, 15वां है, ठीक है ना। उसके बाद और मनोज दाएं से कितना है, 12वां है, मनोज का स्थान दाएं से कितना है, 12वां है, 12वां कौन, मनोज। ये तो मेरा सबसे पहले हो गया। अब क्या है, यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, यानी कि विजय के स्थान पर मनोज आ जाता है, मनोज के स्थान पर विजय आ जाता है, आइए स्थान परिवर्तन करा देते हैं। अब यहां पर आ गया मनोज, मनोज का स्थान यहां पर 15वां ही रहा, और यहां पर स्थान आ गया विजय का, यही ना हुआ रे, और विजय का स्थान कितना हो गया, 12वां, ठीक है ना। क्वेश्चन तो यही कर रहा है, यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, यानी कि विजय की जगह मनोज चला जाता है और मनोज की जगह विजय जाता है, तो मनोज अब 15वें स्थान पर होगा और विजय 12वें स्थान पर आ जाएगा, दोनों स्थान अदल बदल कर लिया, तो विजय बाएं से 20वां हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो विजय बाएं से कैमा हो जाता है, 20वां। अब ये विजय जो यहां 12वां दिखा रही है, बाएं से 20वां हो गया, वो लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, ये बाएं से कैमा हो गया, 20वां हो गया है, ठीक है। आपको तो बताता है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। छात्रगण जब इस तरह से स्थान परिवर्तन होता हो, यानी एक व्यक्ति उठ के दूसरे व्यक्ति के पास जाता हो, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के पास आता हो, ऐसी स्थिति में कुल व्यक्ति निकालने के लिए लेफ्ट से जितना व्यक्ति का संख्या दिया हो गया है, राइट से दोनों व्यक्ति का संख्या दे दिया गया है, ठीक है ना। दोनों में एक बात आपको याद रखना है, इन दोनों व्यक्ति में उस व्यक्ति को हमें विशेष रूप से उठाना है जो अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है। वह L प्लस R में लेफ्ट से और राइट से हम कॉम्बिनेशन उस व्यक्ति का लेंगे, राइट से उस व्यक्ति कॉम्बिनेशन लेंगे जो अपना स्थान परिवर्तन किया है। देख लीजिए कौन व्यक्ति यहाँ पर स्थान परिवर्तन करता है। यदि किसी पंक्ति में विजय बाएं से 15वां है और मनोज दाएं से 12वां है, यदि ये दोनों अपना स्थान करते तो विजय बाएं से, देखिए विजय बाएं से, तो जो स्थान परिवर्तन करता है वो एक आंकड़ा आपको निश्चित रूप से लेना पड़ेगा। दोनों में देख लीजिए कौन एक व्यक्ति है जिसका स्थान दिया हुआ है प्रश्न में, तो इसका सिंपल ट्रिक याद रखिएगा, L प्लस R और माइनस कितना हो गया, 1, ठीक है ना। अब इसमें L प्लस R माइनस 1 में एकदम याद रखना है आपको, कौन एक व्यक्ति जो है का स्थान परिवर्तित करके दिखाया गया है। तो लेफ्ट से देख लीजिए एक स्थान कितना है, 15 है, और किसका स्थान परिवर्तन हुआ है, विजय का। तो जो एक ही व्यक्ति मनोज दाएं से 12वां है, यदि अपना स्थान बदल लेते हैं तो विजय बाएं से कितना हो जाता है, 20वां हो जाता है। बस समझ में आ गया अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति का स्थान, वह स्थान लेना हमें जिसका स्थान परिवर्तन हो रहा है। तो किसी पंक्ति में विजय बाएं से 15वां है और मनोज दाएं से 12वां है, तो एक ले लीजिए, एक का ले लेना है 12वां, और दूसरा का लेना है जो स्थान परिवर्तन करेगा। तो कौन स्थान कर रहा है, विजय परिवर्तन कर रहा है, वो कितना हो जाता है, 20वां, ये हो जाएगा 20। समझ में आ गया एकदम अच्छी तरह से। तो 12 प्लस कितना हो जाएगा, 20, तो 12 और 20 यहाँ कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे, माइनस 1, तो 20 और 10 30 32, 32 माइनस 1 आंसर कितना आ गया है, 31,
देखिए कितना आसान तरीके से छात्रगण, कितना आसानी से हम सब ऐसे प्रश्नों को बना लेते हैं। सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना है, एल प्लस आर माइनस वन। एक का पोजीशन लेफ्ट से ले लीजिए, विजय बाएं से कितना है, 15वां है, और मनोज दाएं से 12वां है। जो स्थान परिवर्तन कर रहा, स्थान परिवर्तन कौन किया है, तो विजय बाएं से क्या हो जाता है, 20वां। जो स्थान परिवर्तन करेगा उसका एक मान आपको लेना पड़ेगा, जो स्थान बदल रहा है उसका एक वैल्यू लीजिएगा। एकदम ध्यान रखना है कि जो स्थान बदलेगा उसका स्थान लेना है। तो 12वां एक स्थान दिया हुआ था और स्थान बदलने वाला कौन है, विजय। तो विजय जो स्थान परिवर्तित करेगा, जिसका स्थान परिवर्तित होगा उसका एक वैल्यू लेना है। तो 15 का यहां कोई काम नहीं रहेगा, उसका नया स्थान क्या होगा वो स्थान ले लीजिएगा, दोनों को ऐड करके उसमें माइनस 1 कर दीजिएगा, तो 32 - 1 बराबर आंसर कितना आ गया, 31। तो स्थान परिवर्तन पर बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन था, कुछ भी आपको नहीं करना है, एकदम से मैनुअल अटैक कीजिए। एल प्लस आर माइनस वन एकदम याद कर लीजिए, लेफ्ट वर्ल्ड ट्राइस माइनस वन। माइनस वन आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ही व्यक्ति दो स्थान पर बल डाल रहा है, तो एक व्यक्ति दो जगह काउंट तो नहीं हो सकता था, इसलिए माइनस वन हो रहा है। करना क्या है कि वह व्यक्ति का एक पोजिशन हमको निश्चित रूप से लेना है जो अपना स्थान बदल रहा है। विजय यहाँ पर दो बार अपना स्थान बदला है, तो विजय की जो अंतिम स्थिति रहेगी वो ले लेंगे और एक और ले लेंगे, दोनों को मिला करके। यहाँ से देख लीजिए किसी पंक्ति में विजय बाएं से 15वां है और फिर विजय क्या हो जाता है, और विजय बाएं से 20वां हो जाता है। तो एक विजय का स्थान 20वां ले लिए, अब एक 12वां बचा हुआ, तो 20 + 12 - 1 = 31। तो बहुत अच्छा सा ऐसे क्वेश्चन याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसको स्पेशल कंसेप्ट के आधार पर पढ़ाया है, स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। आइए एक आध क्वेश्चन और इसमें करवा देते हैं ताकि आपका और ये चैप्टर हैंडी हो जाए। आगे की ओर चलते हैं छात्र। छात्रगण स्थान परिवर्तन पर एक क्वेश्चन और लेकर के आ रहे हैं। लड़कों की कतार में आनंद बाएं से 11वां है और राजू दाएं से 5वां है। जब ये दोनों आपस में स्थान अदला बदली कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, तो आनंद बाएं से 25वां हो जाता है, तो बताएं दाएं से राजू का क्या स्थान होगा। अब देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, उसमें कुल व्यक्ति पूछा था, अभी पूछ रहा है किसी एक का स्थान। किसका स्थान पूछ रहा है इससे आपको अभी कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन पर काम करेंगे, एकदम कोई ट्रिक नहीं। हम कई बार आपको बता रहे हैं कोई ट्रिक आपको यूज नहीं करना है। लड़कों की कतार में आनंद बाएं से 11वां है, प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ हो गया बायां, ये हो गया बाएं, और ये हो गया दाएं, बाएं और दाएं। क्या बोलता है, लड़कों की कतार में आनंद बाएं से 11वां, बाएं से आनंद कितने स्थान पर है, 11वां। यह है आनंद, यही ना है, बाएं से आनंद 11वां है और राजू दाएं से 5वां। राजू को ले लेते हैं दाएं से 5वां, यहां पर हो गया राजू, हो गया दाएं से 5वां। जब ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, अब नया कहानी क्या बन जाएगा, अब यहां पर हो गया ये बायां और ये हो गया दायां। अब राजू आ जाएगा यहां पर और आनंद आ जाएगा यहां पर, तो यहां पर हो गया 5वां, ये हो जाएगा यहां पर, अब हो जाएगा यहां पर राजू और यहां पर हो जाएगा आनंद और ये हो जाएगा 11वां। ये ना हो गया, सॉरी ये नहीं करेंगे, ये तो 11वां का 11वां ही रहेगा और ये 5वां का 5वां ही रहेगा। क्लियर है ना, ये तो हो गया। तो आनंद बाएं से 25वां हो जाता है। अब आनंद क्या हो गया, अब आनंद बाएं से, ये आनंद का नया स्थान हो गया 25वां। आनंद का नया स्थान क्या हो गया, 25वां। तो बताएं कि राजू का, तो बताएं दाएं से राजू का स्थान क्या होगा। अब हमको दाएं से राजू का स्थान पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ राजू दाएं से। देखिए कितना आसानी से इसको बना लेंगे। सबसे पहले तो आप एकदम कुल बच्चा निकाल लीजिए। कुल बच्चा निकालने का तरीका आपको बताया है ना, एल प्लस आर माइनस कितना, 1। इसमें से एक किसका स्थान लेना है, जो कि दोनों तरफ से स्थान अदला बदली करता है, वो एक वैल्यू ले लेना है। ले लेते हैं, चलिए कौन कौन किसका दिया हुआ है। लड़कों की कतार में आनंद बाएं से 11वां है और राजू दाएं से 5वां है। जब ये दोनों आपस में स्थान पर, तो आनंद बाएं से 25वां, आनंद का दिया हुआ है, तो एक तो आनंद ले लेंगे, आनंद बाएं से 25वां, तो आनंद का हो गया 25 प्लस राजू का कितना हो रहा है, राजू एक लड़के किताब बाएं से 15वां, राजू दाएं से कितना है 5वां, तो यहाँ 5वां हो जाएगा, ये हो गया 5। तो 25 + 5 - 1, 25 और 5 = 30 - 1 = कितना हो गया, 29। ये तो हम लोग को पता चल गया कि इस पंक्ति में कुल कितना बच्चा है भाई, तो मेरा 29 बच्चा। वो एकदम कंसेप्ट याद करिए, एल प्लस आर माइनस वन, स्थान परिवर्तन में कुल व्यक्ति निकालने के लिए एल प्लस आर वन है। कुल निकाल करके कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, आप आसानी से निकाल लीजिएगा। अब आपका कुल व्यक्ति आ गया, कुल व्यक्ति कितना हो गया, 29 आ गया। अब हमको राजू का पूछ रहा है, तो देखिए आप कुल व्यक्ति निकाल ली है 29 में दाएं से राजू का स्थान यहाँ कितना दे रहा है, 11वां। तो
दाएं से उसका स्थान पूछा तो बताएं दाएं से राजू क्या स्थान है, यहां राजू का स्थान 11वां है, तो 29 माइनस 11 कर लीजिए, 9 में 8, 2 में 11 कितना हो गया 18, ठीक है 18 कर लिए, तो कुल अब राजू का स्थान तो यहां से इस ओर बढ़ा है, दाएं से एक और आगे की ओर बढ़ा है, तो राजू का स्थान एक स्थान से बढ़कर दूसरे स्थान पर आया है, तो सीधे प्लस 1 कर दीजिएगा, तो 18 कितना हो गया 19। तो सिंपल दिमाग लगाना है, किसी व्यक्ति का भी स्थान किसी छोर से पूछा जाएगा हमेशा उसमें आपको एक प्लस कर देना है, कुल में राजू का नया स्थान माइनस कर देना है, जो भी राजू जो भी जिसका स्थान बदला होगा, तो बाएं से 11वां राजू का स्थान, पुराना स्थान क्या है, राजू का पुराना स्थान 11 है, अब नया स्थान क्या हो जाएगा, तो नया स्थान निकालने के लिए दोनों को माइनस करके प्लस 1 कर दीजिएगा, आंसर कितना आ गया 19, अर्थात दाएं से राजू का स्थान क्या हो जाएगा 19वां। कोई दिक्कत? तो स्थान परिवर्तन परीक्षा दिन हम उम्मीद करते हैं कि आप एक भी प्रश्न परीक्षाओं में गलती नहीं करेंगे और बहुत अच्छे से ऐसे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। आइए देखते हैं एक आध क्वेश्चन और लेकर के आते हैं आपके लिए स्थान परिवर्तन पे। स्थान परिवर्तन पर एक और अंतिम क्वेश्चन कराते हैं छात्रगण, बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा था। एक कतार में दीपा बाएं से 9वीं है और विजय दाएं से 13वां है, पहले कर लेते हैं फिर अपना फटाक से कतार बना लेते हैं, ये हो गया आपका बायां और ये हो गया आपका दाया, ठीक है ना। एक कतार में दीपा बाएं से 9वीं है, दीपा कैमी है, दीपा बाएं से 9वीं है, दीपा कैमी है 9वीं है, और विजय दाएं से 13वां है, विजय दाएं से 13वां मान लेते हैं यहां पर होगा 13वां, कौन है भाई, नाम क्या है इसका, विजय साहब है। ओके, जब ये दोनों आपस में स्थान अदला बदली कर लेते हैं, चलिए इन लोग को स्थान अदला बदली करवा देते हैं, पहले फिगर पर अच्छा से डिनोट कर लेते हैं, स्थान बदला बदली करेंगे तो विजय आ जाएगा यहाँ पर, दीपा आ जाएगा, बताओ क्या स्थान परिवर्तन होगा, ये जो जगह है ये तो अपने जगह पर ही नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा विजय, यहाँ पर आ जाएगा विजय और यहाँ आ जाएगी कौन, दीपा, ये हो गया क्वेश्चन, ये तो स्थान एक ही जगह, ये 13वां का 13वां ही रहेगा, ये 9वां का 9वां ही रहेगा, स्थान थोड़ी बदलेगा रे, 13वां स्थान उठ करके 9वां पे चल जाएगा, लड़का ना बदलेगा, ये हो गया स्थान बदला बदली हो गया, तो दीपा बाएं से 17वीं हो जाती है। अब ऐसा करते हैं तो ये दीपा बाएं से कैमी हो जाती है, ये 17वीं हो जाती है, ठीक है ना। बता पूछता है कि बताइए कि कुल कितने व्यक्ति हैं, आपको तो हजार बार बता दिए हैं, एल प्लस आर माइनस वन बताया है ना, यानी किसी एक व्यक्ति का जो स्थान परिवर्तन होता है, किसी एक जो व्यक्ति अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है, लेफ्ट से भी उसका पोजीशन और राइट से भी उसका पोजीशन और माइनस वन कर दीजिए, जो व्यक्ति अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है। ओके, तो देख लीजिए स्थान कौन परिवर्तन कर रहा है, दीपा स्थान परिवर्तन किया, तो दीपा का स्थान कितना है 17, और शुरू में दीपा का स्थान कितना है 13, अभी दोनों दीपा का स्थान एकदम अच्छा से इसको समझ लीजिए, जो स्थान परिवर्तन करता है उसको आपको जोड़ करके माइनस वन कर देना है, तो दीपा स्थान चेंज कर रही है, दीपा का स्थान 17 एल से और आर से 13, तो 17 और 13 कितना हो जाएगा आपका 30, 30 माइनस कितना कर दीजिएगा 1, आंसर कितना आ गया आपका 29, कितना आ गया आपका 29, 29 आ गया, यानी कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं 29, तथा विजय का दाएं से स्थान क्या है, दाएं से स्थान क्या निकालने के लिए क्या बताएं, जितना दिया हुआ है उसको इसमें से माइनस कर दीजिए, तो विजय का दाएं से स्थान कितना हो गया है, तो 17, तो दीपा का बाएं से 17वीं हो जाती है तथा और विजय का स्थान दाएं से 13वां हो जाता है, दाएं से कितना विजय का 13वां दिया हुआ ना, नहीं वो तो हो गया ना एक सेकेंड, हाँ दीपा बाएं से 9वीं हो जाती है और विजय दाएं से 13वां हो जाता है, जब ये दोनों आपस में स्थान अदला बदली, दीपा बाएं से 17वीं हो जाता है, तो बताया कतार में कुल कितने बैठते हैं, हाँ तो विजय का स्थान है कितना 29 में माइनस 9 गया तो कितना बचेगा 29 माइनस 9 बराबर कितना हो गया 20, और इसमें क्या कर देना है प्लस 1 बराबर 21, अर्थात विजय का दाएं से कौन सा स्थान होगा, तो विजय का दाएं से स्थान कितना होगा 21, यहाँ क्लियर हो गया। कुल निकाल लेंगे, सबसे पहले कुल निकाल करके जो स्थान पूछा जा रहा है, आप देख लीजिए विजय दाएं से मेरा कैमा स्थान पर आ गया है 9वां, जब नया चेंज में उसको क्या करना है माइनस कर देना है, जो वैल्यू आएगा उसमें प्लस 1 कर देगा, तो 20 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 21वां स्थान। तो देखिए कितने आसानी से छात्रगण ऐसे प्रश्नों का जवाब जो है वो दिया जा सकता है, ये आप भी अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि सिंपल सा बात है कि जब भी स्थान परिवर्तन होगा प्रश्नों में, तो स्थान परिवर्तन करने के दौरान आपको एक ही बात दिमाग में रखना है कि दोनों का स्थान परिवर्तन में जो व्यक्ति अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है, आप प्रश्न में देख लीजिए कि कतार में दीपा बाएं से 9वां है और विजय दाएं से 13वां है, जब ये दोनों आपस में स्थान अदला बदली कर लेते हैं तब दीपा बाएं से 17वीं हो जाती है। देखिए दीपा का ही स्थान अदला बदली हो रहा है, स्थान अदला बदली किसका हुआ है दीपा का, अब दीपा हो गई 13वां और इधर से हो गई 17, तो 17 और 13 कितना हो गया 30,
30 में से एक माइनस कर दीजिए आ जाएगा 29, आप विजय का स्थान इधर से क्या है 9वां, तो 29 माइनस 9 कर दीजिए 20, और 20 प्लस 1 आपका आंसर कितना हो गया 21। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से छात्रगण ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है। थोड़ा सा जरूरत होता है रैंकिंग टेस्ट में, थोड़ा सा काम करने की जरूरत पड़ती है। आपने अभी बहुत अच्छा से काम किया है इस चैप्टर में, उम्मीद करते हैं कि सभी टॉपिक आपने खूब बखूबी क्लियर किया होगा। तो आज की क्लास रैंकिंग टेस्ट के साथ रैंकिंग का चैप्टर भी यहाँ पर हम लोग खत्म कर देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और बहुत सारा क्वेश्चन हम सब पीडीएफ में भी अटैच कर दे रहे हैं, इसलिए आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो कुछ भी एक दो क्वेश्चन में अगर फंसेंगे भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, पर्सनल व्हाट्सएप पर आपको हम उसका आंसर भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।